फर्स्ट तो आपका जो एसएसटी में मैं आपको पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ करवा रही थी उसमें मैं आपका चैप्टर फर्स्ट रीडिंग करवा रही हूँ एंड योर चैप्टर फर्स्ट वाज अबाउट इनइक्वालिटी एंड डाइवर्सिटी अ डाइवर्स नेशन। तो मैंने आपको यहाँ तक आपकी रीडिंग फिनिश हो चुकी थी, आज जो है मैं आपको यहाँ लद्दाख से स्टार्ट करा रही हूँ। तो देखते हैं इसमें क्या है। तो इट इज़ अ डेजर्ट इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सिचुएटेड एट अ हाई एल्टीट्यूड। इट इज़ अ प्लेस दैट रिसीव वेरी लेस रेनफॉल बट इज़ कवर्ड विद स्नो फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन अ ईयर। तो अगर आप डेजर्ट को देखेंगे, सॉरी लद्दाख को अगर आप देखते हैं, सो इट्स अ डेजर्ट इन द ईस्टर्न पार्ट। जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर का जो पूर्वी हिस्सा है वहाँ पर लद्दाख है और लद्दाख एक डेजर्ट है। मतलब डेजर्ट से मतलब ये नहीं है वहाँ रेगिस्तान है, रेगिस्तान सिर्फ आपका थार का है। डेजर्ट आपके दो टाइप के होते हैं, एक ठंडा और एक गर्म। तो लद्दाख आपका एक ठंडा रेगिस्तान है। ठंडा रेगिस्तान मतलब जहाँ पर वनस्पति नहीं, इतनी ज़्यादा ठंड है या एटमॉस्फेयर वहाँ का वैसा है, कंडीशंस ऐसी हैं जहाँ पर फसलें वगैरह नहीं हो सकती हैं, किसी भी तरीके की उपज नहीं हो सकती है, ठीक है। सिचुएटेड एट अ हाई एल्टीट्यूड इट इज़ अ प्लेस दैट रिसीव वेरी लेस रेनफॉल बट इज़ कवर्ड विद स्नो। देखिए ये एक ऐसी जगह है जो काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है। दूसरी चीज़, यहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होता है, यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है और लगभग ज़्यादातर महीने साल की जो है वो बर्फ़ से ढका हुआ होता है, ठीक है। पीपल लिविंग हेयर हैव टू डिपेंड अपॉन द मेल्टिंग ऑफ स्नो टू अरेंज फॉर ड्रिंकिंग वाटर। तो जो लोग यहाँ पर रहते हैं उन्हें इंतज़ार करना आप कह सकते पड़ता है, जब तक पानी पिघल नहीं जाता है तब फिर वो अपने लिए पानी स्टोर करके रखते हैं पानी पीने तक के लिए। यू कैन फाइंड अ स्पेशल टाइप ऑफ शीप इन दिस रीजन दैट गिव्स पश्मीना वूल। अच्छा हाँ, इनकी सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि यहाँ पर एक ख़ास तरीके की आपके एक बकरी पाई जाती है जो इन्हें पश्मीना नाम की जो वूल होती, वूल जो ऊन होती है वो देती है। ये काफ़ी एक्सपेंसिव वूल होती है और सबसे अच्छी क्वालिटी की मानी जाती है, विच इज़ कंसिडर वैल्यूएबल थ्रू आउट द वर्ल्ड। और पश्मीना वूल जो है वो पूरे विश्व भर में सबसे आप कह सकते हैं अच्छी ऊन में आती है। इन समर्स, गर्मियों में पीपल ऑल्सो रिस्टोर्ड द एग्रीकल्चर ऑफ अ फ्यू क्रॉप लाइक बार्ले विद द हेल्प ऑफ इंडस रिवर। अच्छा, समर्स में क्या होता है कि ये लोग कुछ एक आध फसल है जिनको ये लोग उगाते हैं, उसमें से एक है बार्ले, ठीक है। तो बार्ले ये इंडस रिवर की जो सिंधु नदी, हिंदी में इसको कहते हैं, तो उसके मदद से ये लोग यहाँ पे बार्ले उगा लेते हैं। द कल्चर हेयर इज़ क्वाइट इन्फ्लुएंस्ड बाय तिब्बत एज टू इट्स ईस्ट लाइन द तिब्बतियन प्लेटू एंड मैनी तिब्बत पीपल रिसाइड हियर। देखिए यहाँ का जो कल्चर है वो मेनली तिब्बत का जो कल्चर है उससे इन्फ्लुएंस्ड है, उससे प्रभावित है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो तिब्बत, आप कह सकते हैं तिब्बत पार्ट से काफ़ी मिलता जुलता भी है। और दूसरी चीज़, ज़्यादातर लोग जो हैं वो यहाँ पर तिब्बतियन हैं, तिब्बतियन लोग रहते हैं। थस द फूड सर्व हेयर हैज़ तिब्बतियन टच। तो यहाँ का जो खाना है उसमें भी आपको तिब्बत का एक प्रभाव मिल जाएगा। पीपल हैव थुपका नूडल सूप नांगपे रोस्टेड बार्ले फ्लावर। देखिए क्या खाते हैं, ये थुक्पा एक इनका बोला जाता है, नूडल सूप होता है और इसके बाद नांगपे जो कि एक बार्ले होता है, जो बार्ले ये लोग उगाते हैं उसको रोस्टेड फ्लावर जो होता है वो उनका होता है। द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स हेयर इज़ आइस हॉकी। ऑब्वियसली बात है, बर्फ ही बर्फ है तो आइस हॉकी यहाँ पर एक मेन इनका गेम माना जाता है। इसके अलावा द मेन लैंग्वेज स्पोकन हेयर इज़ लद्दाखी। लद्दाख में जो भाषा बोली जाती है उसको लद्दाखी कहते हैं। लद्दाख इज़ नोन फॉर इट्स सीनिक ब्यूटी एंड थस होल्स वेलकम हंड्रेड ऑफ टूरिस्ट एवरी ईयर। जो यहाँ के आसपास के दृश्य हैं, सीनरीज हैं, उसके लिए बहुत फेमस है और पूरे साल भर इसको इसी के लिए जाना जाता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग टूरिस्ट जो हैं वो यहाँ पर आते हैं इन नज़ारों को देखने के लिए। अब बात करते हैं केरला की। देखिए जो आप लद्दाख की बात करें और उसके बाद अगर आप केरला की बात करो तो ये दोनों एकदम डिफरेंट हैं, ठीक है। अगर हम लद्दाख और केरला के बीच में डिफरेंशिएट करें तो दोनों ही बिल्कुल अलग इलाके हैं, क्योंकि लद्दाख आपका बिल्कुल उत्तर में पड़ता है भारत के और केरला आपका दक्षिणी बिंदु पर पड़ता है और यहाँ के जो क्लाइमेटिकल कंडीशंस भी हैं वो भी बिल्कुल डिफरेंट है। तो केरला इज़ लोकेटेड इन द साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। केरला जो है वो इंडिया के साउथ वेस्ट पार्ट में लोकेटेड है। यहाँ पे आप मान लीजिए ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे केरला है। तो इट इज़ सिचुएटेड इन बिटवीन द अरेबियन सी एंड वेस्टर्न घाट। ये वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में स्थित है। द जोग्राफिकल लोकेशन मेक इट्स वेदर हॉट एंड ह्यूमिड। यहाँ की जो जोग्राफिकल भौतिक परिस्थितियाँ हैं वो यहाँ के वेदर को या वातावरण को काफ़ी गर्म और उमस भरा रखती हैं। इट इज़ पॉपुलर फॉर बैक वाटर्स, लवली बीचेस, आयुर्वेदिक टूरिज्म,
एंड ट्रॉपिकल ग्रीनरी, ये बहुत सी चीज़ों के लिए फेमस है, जैसे कि आपका बीच हो गया, आयुर्वेद हो गया, आयुर्वेदिक टूरिज्म हो गया यहाँ पे। उसके अलावा ये ग्रीनरी यहाँ के मसालों के लिए सबके लिए फेमस है। नाउ एलिफेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ केरला एंड कैन बी सीन ऑन द एम्बलम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ केरला। एलिफेंट जो है वह यहाँ पर आप कह सकते हैं एक राष्ट्रीय पशु की तरह है इनके लिए, बहुत आप कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण पशु है यहाँ का। और यहाँ के जो गवर्नमेंट का एम्बलम है, केरला की जो गवर्नमेंट है, वहाँ के एम्बलम पर भी आपको एलिफेंट का चित्र देखने को मिल जाएगा। बींग द क्लीनेस्ट सिटी एंड टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया, इट अडॉप्टेड द स्लोगन गॉड्स ओन कंट्री। तो ये इंडिया के सबसे साफ और आप कह सकते हैं टूरिस्ट सबसे ज़्यादा यहीं पर आते हैं, तो ये एक ऐसा शहर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट और सबसे ज़्यादा साफ एक शहर है ये, इसीलिए यहाँ इस केरला को गॉड्स ओन कंट्री, भगवान के द्वारा गोद ली गई कंट्री में गिना जाता है। पीपल ऑफ केरला ग्रो कैश्यू, कोकोनट, पेपर राइस, कॉफ़ी, टी, रबर। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ों की पैदावार की जाती है, कैश्यू आपके काजू होते हैं, ठीक है, काजू, उसके अलावा कोकोनट, पेपर, मिर्ची, चावल, कॉफ़ी, टी, ये सभी चीज़ें यहाँ पर उगाई जाती हैं। फिशिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ केरला। केरला के लोगों का जो मेन ऑक्यूपेशन है वो फिशिंग है, मछली पकड़ना है। द मेन फूड ऑफ केरला इज़ राइस एंड फिश। जो यहाँ पर मेन फूड है वो मछली और चावल है, वेजिटेबल एंड कर्ड, सब्जियाँ और दही। पीपल वेयर लूज क्लोथ्स। पीपल कैसे कपड़े पहनते हैं, लूज क्लोथ पहनते हैं, हल्के ढीले कपड़े पहनते हैं। द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ वुमन इज़ मुंडुम नेरियट्टम, विच इज़ साड़ी, ठीक है, साड़ी को यहाँ पर मुंडू नेरियट्टम कहते हैं, नेरियत्थम कहते हैं। वेयर इज मैन वेयर मंडू, सॉरी मुंडू विद अ शर्ट, तो वहाँ के लोग मुंडू एक शर्ट के साथ पहनते हैं। बोट रेसिंग इज़ अ फेवरेट स्पोर्ट फॉर ओनम सेलिब्रेशन। यहाँ के लोगों का फेवरेट स्पोर्ट जो है वो बोट रेस है ओनम फेस्टिवल के टाइम पर, ठीक है। नाउ इन इंडिया लद्दाख इज़ अ प्लेस दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम केरला। अब इंडिया में अगर हम बात करें तो लद्दाख केरला से बिल्कुल अलग है। हाउ डू यू थिंक द लाइफ ऑफ पीपल लिविंग हेयर कम्पेयर टू केरला। तो आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि आपको क्या लगता है कि किस तरीके से वो डिफरेंट है या क्या है। आपका नेक्स्ट टॉपिक्स में दिया डाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया इज़ अ कंट्री विद 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरेटरीज। इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पर 28 राज्य और 8 यूनियन टेरेटरीज हैं। इफ़ यू कवर ऑल द स्टेट एंड यूनियन टेरेटरीज ऑफ द इंडिया ऑफ इंडिया यू विल फाइंड समथिंग न्यू एवरीवेयर। अगर आप सभी स्टेट्स, सभी यूनियन टेरिटरी में जाएँ जो इंडिया में हैं, तो आपको हर जगह कोई नई चीज़ ज़रूर देखने को मिलेगी। एवरी स्टेट इज़ डिफरेंट इन इट्स लुक एंड फील। हर एक राज्य दिखने में, वहाँ के कल्चर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। जस्ट लाइक लद्दाख एंड द रेस्ट ऑफ अवर कंट्री, जैसे कि आप लद्दाख को मान लीजिए और बाकी दूसरी जो स्टेट है उनको मान लीजिए। You will find diversity in different region of India. आपको इंडिया के हर क्षेत्र में diversity यानी विविधता देखने को मिल जाएगी। You will find different land form with different type of plants and animals. आपको अलग अलग क्षेत्र देखने को मिलेंगे जहाँ पर अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे, जानवर आपको देखने को मिल सकते हैं। Even the houses, clothes and the ornaments are different in different states. बल्कि लोगों के कपड़े पहनने का तरीका, खाना खाने का तरीका, वहाँ के जो ज्वेलरी वगैरह हैं, घर वगैरह, ये सब भी आपको हर स्टेट में अलग मिलते हैं। You will find different kind of people speaking different language in our country. आपको हर राज्य में, आप यही मान लीजिए यहाँ से 10 किलोमीटर दूर भी अगर आप जाते हैं आगरा या कहीं पे, तो वहाँ पर भी आपको लैंग्वेज में डिफरेंस देखने को मिल जाता है। Now these tradition and things are what make our country full of diversity. तो इन tradition, इन त्योहारों की वजह से, इन संस्कृतियों की वजह से ये जो हमारा देश है वो कैसा है, डाइवर्सिटी से भरा हुआ है, विविधताओं से भरा हुआ है, ठीक है। तो आज मैं आपको यहीं तक कराऊंगी। नेक्स्ट टाइम जो आपका टॉपिक होगा वो होगा डाइवर्सिटी ड्यू टू डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज़।